की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। विशेषज्ञों की माने तो इस महीने यानी अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर का कहर देखने को मिलेगा और ये अक्टूबर में अपने पीक पर जा सकती है। हालांकि इसी बीच 10 राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं। इनमें से 3 राज्यों ने सोमवार से ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में दोबारा स्कूल खुलने के बाद से 613 बच्चे संक्रमित मिल चुके हैं। महाराष्ट्र सोलापुर में 613 स्कूली बच्चे संक्रमित। दूसरी लहर के बाद महाराष्ट्र ने सबसे पहले 15 जुलाई से उन इलाकों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले थे जहां संक्रमण के नए मामले नहीं आ रहे थे। इसके बावजूद सोलापुर जिले में अब तक 613 बच्चे संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके बाद भी राज्य में स्कूल बंदी की कोई सूचना नहीं है। हरियाणा, सभी स्कूल खुले, अब तक 6 पॉजिटिव। फतेहाबाद के 2 सरकारी स्कूलों के 6 बच्चों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इन बच्चों को अलग रखा गया है। राज्य में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं और 23 जुलाई से 6वीं से 8वीं तक की कक्षाएं खोल दी गई है। इन 7 राज्यों में स्कूल शुरू। जी हाँ, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन राज्यों में जल्द स्कूल खुलेंगे। आंध्र प्रदेश, गोवा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।